मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक बिल्डिंग के दूसरे माले पर बने चार फ्लैटों में अचानक भीषण आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें, दमकल कर्मियों ने फ्लैट में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकल लिया है, लेकिन सिलेंडर फटने से 2 दमकल कर्मी झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आग में लाखों का नुकसान हो गया है। बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट का कोई सिस्टम नहीं पाया गया, जिसको लेकर नगर निगम कमिश्नर ने कार्यवाही करने की बात भी कही है। वहीं पुलिस आग के कारणों को लेकर जांच में जुट गई है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। 2 कर्मचारी घायल हुए हैं हमारे, गिरीश श्रीवास्तव और इस्माइल अहमद। लगभग 8:30 बजे की बात है, वहाँ आग लगी थी। एक सिलेंडर भी फटा है उसमें, और उसमें काफ़ी वो सामान वामन जल गया, उनका भी नुकसान हुआ। बाकी आग पर काबू पा लिया गया। करीब 7 गाड़ी पानी की से बुझाया गया है, 3-4 गाड़ी मौके पर लगा के आग को काबू पा लिया गया। अब स्थिति ठीक है। किस मल्टी में आग लगी थी, कहाँ पर? ये गोविंदपुरी चौराहे पर है, एक यामा शोरूम है, उसमें मल्टी टाइप का एक बना हुई है बिल्डिंग, उसी में लगी। कोई लोग उसमें घायल हुए जो अंदर रह रहे थे? नहीं, अंदर कोई पब्लिक का कोई नहीं घायल हुआ, कर्मचारी हमारे 2 घायल। आग लगने की वजह क्या? अभी उन्होंने शॉर्ट सर्किट और ये बताया है, बाकी देखेंगे जांच करके कि क्या पता लगता है कि कैसे आ गया।